मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चाइनीज एप्लीकेशंस बैन हुई है उसके अल्टरनेटिव्स क्या है। जैसे कि सोनम वांगचुक जी ने बताया था कि हार्डवेयर इन ईयर एंड सॉफ्टवेयर इन वीक, ये जो है उसको सरकार को और हमें दोनों को मिल के इम्प्लीमेंट करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टिकटॉक के अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो टिकटॉक के अल्टरनेटिव में पहला नाम आता है वो शेयर चैट है। ये शेयर चैट है वो भी एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है जिसमें भी टिकटॉक जैसा ही आता है। दूसरा हमारी एक इंडियन है कंपनी, उसका नाम है चिंगारी। ये अभी नई नई एप्लीकेशन ही है, वो भी शॉर्ट वीडियो का ही काम करती है। तो इसके बाद एप्लीकेशन का नाम आता है जेंडर। ये एप्लीकेशन को मैं इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि जो डेटा है उसको ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता था, उसकी जगह हम शेयर ऑल ये एप्लीकेशन है उसको यूज करते हैं, उसका भी काम जेंडर जैसा ही है। बाद में आता है जूम एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन भी चाइना का ही है। हमारे जो सरकारी कुछ अधिकारी है बड़े बड़े वाले, और वो भी है वो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। हमारी जो होम मिनिस्टर है उन्होंने इस एप्लीकेशन को इससे पहले भी बताया था कि इसको यूज मत करो, पर जब इसका नया वर्जन आया तब फिर से ये कह दिया कि ये अब सेफ है, अब आप इसको यूज कर सकते हो। तो भले ही ये जो ऐप है वो सेफ बता रही है हमारी सरकार, फिर भी हमें चाइनीज एप्स को यूज नहीं करना चाहिए। उसके बदले में हम जियो मीट एप्लीकेशन है वो अभी नई आई है जो इंडिया की है उसको यूज कर सकते हैं। एक अमेरिका की कंपनी है सिस्को वेबएक्स, उसको यूज कर सकते हैं। और इंडिया की एक बहुत ही नई एप्लीकेशन है से नमस्ते, इसमें भी हम जूम की तरह वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो अब हम अभी एप्लीकेशन की बात करते हैं, वो है यूसी ब्राउजर। ये यूसी ब्राउजर है वो कई ऐसी जो हमें डाउनलोड करने होते हैं मूवीज और सॉन्ग्स उसमें काम आती थी, पर अब हम उसके अल्टरनेटिव में जियो ब्राउजर, इपिक ब्राउजर और क्रोम ब्राउजर उसका हम उपयोग कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर तो पहले से ही बहुत प्रचलित है, पर उसका इस्तेमाल पहले यूसी ब्राउजर से बहुत कम होता था, तो अब उसको हम उपयोग कर सकते हैं। बाद में एक एप्लीकेशन का नाम आता है वो है क्लब फैक्ट्री और अली एक्सप्रेस। ये जो दो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से चाइनीज है, और इसके पहले के वीडियो में भी बताया था मैंने कि ये शॉपिंग के लिए काम आती है। इसके अल्टरनेटिव में हम लोग मिंत्रा और लाइम रोड ऐसी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जो पूरी तरह से इंडिया की है, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये भी एप्लीकेशन है जो बहुत ही ट्रस्टेड है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, पर ये पूरी तरह से इंडियन है नहीं। तो बाद में आती है वी चैट, वो भी एक व्हाट्सएप की तरह यूज में आने वाली एक चैट करने की एप्लीकेशन है। तो इसके अल्टरनेटिव में व्हाट्सएप ये खुद ही नाम आता है, पर वो इंडिया का नहीं है इसलिए आप उसको यूज करें तो भी कोई बात नहीं है। उसके अदर में आता है टेलीग्राम, ये भी बहुत नहीं पर थोड़ा प्रचलित नाम है, वो ऐप है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बाद में नाम आता है कैम स्कैनर। ये कैम स्कैनर है वो इंडिया की ऑफिस में और कई सरकारी ऑफिस है उसमें भी बहुत ज्यादा काम आता है, और वो जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से चाइनीज है। इसके अल्टरनेटिव में हम एडोब कैम स्कैनर एप्लीकेशन है उसको यूज कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस ये एप्लीकेशन है उसको भी यूज कर सकते हैं जो बहुत ही ट्रस्टेड है। तो इसके बाद नाम आता है ब्यूटी प्लस। ये एप्लीकेशन है वो फोटो एडिटिंग में और सेल्फियां खींचने के लिए उपयोग में आती है। तो इसके अल्टरनेटिव में आप पिक्स आर्ट नाम की एक एप्लीकेशन है उसको यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसे यूज कीजिए फोटो एडिटिंग के लिए। और पिक्सल लैब नाम की भी एक है एप्लीकेशन, वो भी बहुत ही अच्छी है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बाद में नाम आता है क्लीन मास्टर नाम का। ये जो क्लीन मास्टर नाम की एप्लीकेशन है वो भी चाइना की ही है। इसके अल्टरनेटिव में हम नॉर्टन क्लीनर ये एप्लीकेशन है उसको यूज कर सकते हैं। जो हमारे फोन में वायरसेस होते हैं और ऐसे जो ऐसे बग्स होते हैं उसको फिक्स करने के लिए ये एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। बाद में अब हम कुछ गेम्स की बात करेंगे।
तो उसमें सबसे पहला नाम आता है पबजी। ये एप्लीकेशन को बैन नहीं किया गया है क्योंकि सब बता रहे हैं कि वो एक कोरियन कंपनी है, पर इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो पीसी में खेलने वाली पबजी है वो ही सिर्फ कोरियन की ब्लू होल नाम की गेमिंग कंपनी है उसकी है, पर जो मोबाइल में खेलने वाली जो गेम है वो पूरी तरह से चाइना को ही रेवेन्यू जाता है। और आप एक टाइप से उसके कह सकते हैं कि मोबाइल में खेलने वाली पबजी वो पूरी तरह से चाइनीज ही है। तो पबजी को अल्टरनेटिव तो हम नहीं ढूंढ सकते, पर हम उसकी जगह फ्री फायर जो है वो अल्टरनेटिव है। पर मैं तो वो भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप वो भी मत खेलो, क्योंकि वो भी आपका टाइम वेस्ट ही करता है। इससे तो कई ऐसी जो हमारे दिमाग की नॉलेज बढ़े ऐसी एप्लीकेशंस को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे एप्लीकेशंस है जो मैंने आपको बताए उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमें मैं फेसबुक पे भी एक्टिव हुआ हूँ, वो तो उसकी लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में ही है, आप वहां जाके मुझे फॉलो कीजिए। ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है, वहां पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए, ये क्लिप आप सबको दिखाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।